she asking, you include terrorist activity be? Huh? No! I am Badnam, not terrorist, madam. You know? ऐसी तुम ऐसी तुम्हारी अंग्रेजी की तुम उस लड़की को तुम्हें पता है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में सम्मिलित है और तुम हो उसके लोकल संपर्क जिससे वो बताती रहती है 24-24 घंटे क्या खिचड़ी पक रहे हैं तुम्हारे उसके साथ बताओ हमें अभी मैडम पक आ गई मैडम पकने से पहले तो सीटी बज गई मैडम आप तो मुझे जानती हो ना गन्ना चूस के मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ नहीं मैडम मैं तो एक अच्छा इंसान हूँ गन्ना चूस के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हाँ You toting trust, you toting commitment, you include terrorist activity. You, how dare you? You going lamba, you napoing lamba now. You did bada lafda, bada kaan he did na. You going andar, you finish. Life finish, wife finish, sab finish. Save puri madam. Save me madam, please save me. Ek baar. भाभी संभाल अरे हमें भी तो कोई बताए क्या हो रहा है हम बताते आइए वो बताए सुनो तुम हमारा अभी तुम एक ही चीज पे सेव हो सकते हो जब वो लूसी खुद हमारे आंखों के सामने आएगी और कहेगी कि तुम किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो तब ही उसका हमारे सामने आना बहुत जरूरी है और वो एक ही शर्त पे हो सकता है जब तुम उससे अपना बात कंटिन्यू रखोगे और उसको कानो कान खबर नहीं होना चाहिए कि पुलिस तुम्हारे साथ मिल चुकी है और पुलिस लूसी का सच जान चुकी है समझे कि नहीं समझे जी मैडम Hi, I'm asking your Lucy. Energy. ठीक से बोलो. Hi, I'm asking your Lucy. अरे कहाँ हो तुम? किधर? Where? किधर है? Yeah, so I'm crossing a small bridge. There is brasa advertisement poster. Pinku, juicer, mixer grinder. With awesome famous Bollywood film star. I forgot his name. अरे which area? किधर हो? नीचे छोटा river पे रही है. River? Oof, this river is so dirty. अरे पागले उसको हमारे तरफ नाला बोलते हैं नाला अरे मुद्दे पे आओगे अरे थाईलैंड की भूतनी है किधर तू अजय सुनते हो भाभी अरे भाभी से ही बात कर रहा हूँ अरे मार क्या हुआ जी इतने घबराए हुए क्यों अरे वही उन थाईलैंड वाली आफत जिसको लेके बिग ऑर्डर वही लेके परेशान या तेल अरे लखनऊ वाली और कहा सात समंदर पार में तेरी पीछे पीछे लैंडिंग हियर आई एम एट द एयरपोर्ट जस्ट लैंडेड इट्स गोना टेक सम टाइम फॉर द कस्टम फॉर्मेलिटीज या सुनो करिश्मा जी को फोन करो और उसकी फोटो भेजो और उसका लोकेशन भेजो बोल दो वो लैंड कर चुके हैं लखनऊ में जाओ तुम बात करो इधर वो कस्टमर हाँ कस्टमर बात कर रहा बात तुम क्या देख रहे हो मैडम हम उसको देख रहे हैं ना लुसिया को अच्छा तो तुम जानते हो कि लुसिया कौन है पहचानते हो उसको नहीं हम कैसे पहचानेंगे उसको मैडम तो फिर किसको घूर रहे हो इतनी देर से थाईलैंड से है ना लुसिया हमारे थाईलैंड के प्लेन से 300 यात्री निकले सब लूसिया होंगे क्या थोड़ा तो दिमाग लगाओ अपना जो थोड़ा बहुत बचा है जाओ ताकि अच्छे से चेक करो जाओ देना डॉक्यूमेंट सब सही सर सही तो लो हटो यहाँ से जल्दी भीड़ बढ़ा रहा है हेलो हाँ संतोष सॉरी संतोष हाँ चीती मैडम को फोन दे हाँ संतोष मैडम लूसी एयरपोर्ट से निकल रही है आप एयरपोर्ट रोड पर ही रहिए आपको वहीं पर मिलेगी वो लेकिन संतु हम कैसे पहचानेंगे इसमें से लूसी कौन है कोई गाड़ी का नंबर बात करने दो कोई गाड़ी का नंबर कुछ तो होगा गाड़ी का पता नहीं लेकिन मैंने आपको लूसी की फोटो भेजी है आप दूर से पहचान लेंगी उसे निकालो फोटो निकालो उसका फोटो भेजा है Brother, is he? Mom.
पीटी की तरफ भी नहीं जा रही है, दबोचो मां, चलो ना। मैडम सोले की घोड़ी जो थी ना वो भी इससे तेज भागती है मैडम, ये कहां सरकारी आइटम खटारा हो गई है, पढ़िए नहीं रही है। हम चलाते तो भागती है, भगाओ। मैडम आपका बात पूछो ना, हटना यार, यहीं पर मरेगा क्या? गाड़ी नहीं दिख रहा हमको, गाड़ी कहाँ गया? एक मिनट देखो, बुरा 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 भगाओ, हमको तो पकड़ के रहेंगे। आपको मेरे बारे में पता कर सकते हैं, व्हाट एवर प्रूफ यू नीड। तो तुम यहाँ क्या करने आई? मैं सोशल मीडिया फ्रॉम बदनाम, उससे मिलने आई, उससे एक ड्राइवर है तो मुझको पिकअप करने आए। नहीं, क्या बकवास चल रहा है मैडम, हमारे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, बदनामुआ के साइकिल का किस तब तक चल रहा है, उसके पास गाड़ी कहाँ से आएगा, वो भी विथ ड्राइवर। पकड़ो इसको, गाड़ी में बैठ। साहब सब कुछ नहीं किया साहब, बताओ देश के खिलाफ क्या साजिश चल रहा है, ये कौन मिला हुआ है इन सब में, हमको नाम बताओ उसका, बताओ। बताओ मैडम, मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता मैडम, मैं कसम खा के कहता हूँ मैडम, मुझे मत मारिए। तुम कुछ नहीं जानते तो पुलिस को देख के भागे काहे थे? चीते कहाँ भागा था रे, भागा था साहब, मुझे ऐसा करने के लिए कहा गया था, मुझे पुलिस को भटकाए रखने के लिए और अटकाए रखने के लिए कहा गया था, जिसके लिए मुझे पैसे दिए, और मैं तो बस पुलिस को गुमराह कर रहा था मैडम। कौन है ये टोपा इंसान, किसने कहा था तुम्हें ऐसा करने के लिए? जतिन भाई ने। कौन जतिन? नहीं जानता मैडम। नहीं जानते? नहीं मैडम, नहीं जानते। एक सांस में बोलना, पुलिस को गुमराह मत करना, सारा सच चाहिए हमें, नहीं तो वो हाल करेंगे तुम्हारा कि जब भी मुंह खोलोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा ना देगा, समझे? मुझे जतिन भाई का फोन आया और बोला कि तुम्हें एयरपोर्ट जाना है और वहाँ एक लूसी नाम की विदेशी लड़की होगी, और ये कहकर के मैं किसी बदनाम नाम के आदमी का ड्राइवर हूँ और वहाँ से पिक करना है, और जैसे ही मैं उसे लेकर एयरपोर्ट से निकलूंगा थोड़ी दूर जाकर मेरे पीछे पुलिस की गाड़ियां लग जाएंगी, और जितना ज्यादा हो सके उतनी देर तक उन्हें भटकाए रखना, मुझे छोड़ दीजिए मैडम, मैं कुछ नहीं जानता, सच कह रहा हूं। हम कैसे मान ले कि तुम जो भी बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो, कैसे माने? मैडम शहर के किसी भी थाने में चेक करवा लीजिए, 2 से 4 केस चोरी के मुझ पर मिल ही जाएंगे, मैं बहुत ही उठाई गिरा आदमी हूँ मैम, ये आतंकवाद अपने औकात की बात नहीं मैडम। भक खोदा पहाड़ और निकला चूहा, हमको लगा समुद्र का बड़ा मगरमच्छ हमारे हाथ लगा है और भी लोग हमारे हत्या लग जाएंगे, लेकिन ये क्या है ये? नहीं, मगर ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्यों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? ताकि पुलिस को उस जगह से दूर रखा जाए जहाँ पे असली वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुष्पा जी आप समझिए इस बात को, हमें कुछ और ही लग रहा है, ये जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, ये कुछ और ही बात है। डीएसपी सर, जय हिंद सर। जय हिंद करिश्मा सिंह। जी सर बताइए। क्या हुआ उस टारगेट का जिसे आप पकड़ने के लिए गई थी? सर ऐसा है कि गुमराह किया गया है हमें, लूसी तो हमारे आंखों के सामने ही बैठी है, पर ये वो लूसी नहीं है जिस लूसी का आप बात कर रहे हैं, ये लूसी निर्दोष है सर।
इसका मतलब ये है कि उसकी पहचान पर हमारे देश में कोई और दाखिल हुआ है। मतलब वो शख्स हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो आप सुनिए, जिस जरूरी बात के लिए हमने आपको फोन किया है। जी। हमें अभी भी पता चला है हमारे शहर में बहुत बड़ी सीक्रेट मीटिंग होने वाली है। उस सीक्रेट मीटिंग में हमारे शहर के सारे असामाजिक तत्व तो शामिल होने वाले हैं। इन सब का एक साथ मिलना, सीक्रेट मीटिंग करना, इस ओर इशारा करता है कि हमारे शहर में कुछ बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का एक स्लीपर सेल हमारे हाथ लगा है। उस मीटिंग की लोकेशन और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। एटीएस को वहाँ पहुँचने में टाइम लगेगा। आप और आपकी टीम उस स्लीपर सेल की जगह भेज बदल कर मीटिंग में जाएगी। हम आपको मीटिंग का लोकेशन भेज रहे हैं, हम सब जानते हैं। और एक बात सुनिए, हमारे देश को, हमारे इस लखनऊ शहर को बहुत बड़ा खतरा है और इसे बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। सर, हम देश के लिए अपनी प्राण भी दे देंगे। हम आ जाएंगे, आपकी स्पेशल फोर्स के पहले पहुंचेंगे और सबको वहां पे रोक के रखेंगे, और जितना हमसे बन पड़ेगा ना सर, हम वो सब करेंगे। हमें आप पर पूरा भरोसा है। जय हिंद सर। जय हिंद। बोल नहीं पा रहा है वो, नहीं बोल पा रहा है। मेरा नाम जतिन है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कितनी चौकन्नी हो चुकी है, तो आजकल हम जैसे लोगों को अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना कितना मुश्किल हो गया है, और इसीलिए हमारे बॉस बॉबी जी को इंडिया आने में इतना वक्त लग गया। तो इस बार हमें शहर को आतंक का वो खौफनाक मंजर दिखाना है जिससे इस शहर की आवाम हमेशा हमेशा तक याद रखे। मैं बताता हूं इसे क्या करना है। बल्ली, सबसे पहले तुम्हें ठीक 10:58 पर यह रेलवे ट्रैक उड़ाना होगा। तो पुलिस का पूरा ध्यान इस ट्रैक पर होगा, और उसके ठीक आधा घंटे बाद आपको ये हाईवे नंबर 2 सही 11:28 पर उड़ाना होगा। पुलिस को ये और ये, इन दो पॉइंट पर बिजी रखना है, और हमारा जो मेन टारगेट है वो है ये पार्लियामेंट। समझ गए सब लोग? काम में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और अगर हम पकड़े गए तो? जो भी कहना है साफ साफ कहिए। हाँ हाँ, साफ साफ कहते हैं। अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो क्या होगा? पुलिस जो है वो मार मार के हमारी जिंदगी जहन्नुम बना देगी, उसका क्या होगा? है कोई हमारे पीछे या आगे जो हमें बचा सके? है कोई हमारा बॉस, हमारा सरदार, हमारा लीडर? हाँ बताइए बताइए, कौन बचाएगा हमें? है ना बॉस? ये है हमारी बॉस बॉबी। देखिए, मेरा नाम है बॉबी, और मैं आप सबको ये यकीन दिलाता हूं कि जब तक मैं यहां हूं, यहां बैठे किसी भी आदमी को कोई छू तक नहीं सकता। जरा सोचिए, जब मैं किसी और की आइडेंटिटी पर बॉबी से ल्यूसी बनकर लोगों की आंखों में धूल झोंक कर इस देश पे एंटर कर सकता हूं, तो जरा सोचिए कि मैं क्या नहीं कर सकता। वो मैं ही हूं जिसने 2016 में बिंदु नगर में बॉम्ब ब्लास्ट किए, हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा, कन्नू एक्सप्रेस, जगन हाईवे और माली शेयर मार्केट ब्लास्ट सब मैंने ही करवाए, और पुलिस को मेरी हवा तक नहीं लगी। वो तो आज तक मेरा चेहरा भी नहीं जानते। जब तक इस देश की जड़ों में लालची, देशद्रोही और गद्दार लोग भरे पड़े हैं, तब तक हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आतंकवाद यूं ही चलता रहेगा और लोग यूं ही मरते रहेंगे। किसी
नहीं दिखाई तो यहाँ खोपड़ी छितरा देंगे। शांत एकदम। नीचे करो गन। भारत एंटी टेरर स्क्वाड टीम आ गई है। अगर जिंदा वापस जाना चाहते हो तो सब की सब कानून को हवाले कर दो, वरना लाश धोने के लिए एम्बुलेंस भी बाहर खड़ी है, समझे? यही दिक्कत है तुम्हारा। गद्दार गिन लेते हो लेकिन वफादार को इग्नोर करते हो। लेकिन तुम ये बात नहीं जानते हो कि 100 गद्दारों के ऊपर एक देशभक्त भारी पड़ता है। जितना जड़े काट सकते हो काटो, हम भी बहुत जिद्दी खाद है, ना कटने देंगे ना टूटने देंगे, समझे? और आपके पास अगर गन थी तो हम ये क्यों लाए? पुष्पा जी, दिखाने का नहीं छुपाने का चीज है। छुपाई नहीं तो हंसते हंसते मर जाएगा सभी सर। आपके भरोसे बैठे तो डिनर करते क्या यहाँ पे इनके साथ बैठे? अरे सास है हम आपके, थोड़ा तो हम पर। क्या कर रहे हो ये? क्या करें फिर हम? अरे क्या करें, इतनी अच्छी सेहत है, कोई ढंग का काम करो। अरे बेटी का ब्याह करवाना है क्या कि संस्कार सिखा रही है? मारिए उस सबको पहले। क्या कर रही हैं? अरे समझा रहे बच्चों को, सुधर जाएंगे। सुधर जाएंगे कि नहीं, अच्छा काम करोगे कि नहीं? ठीक है। एक मिनट सब सब खड़े जा, उठा उठा खड़े जा। चलो अच्छे बच्चों की तरह यहाँ आ जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो। देखिए भाभी, अभी खून भरी मांगे दरिंदा। कल मुली नस्पिटी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति से गले लगने की? पति? हाँ। किसका पति? ये मेरा पति। मतलब आई एम मैरिड, तुम शादी शुदा हो? अरे वो थोड़ी था, वो तो हम थे जो आपसे बात करते थे। हमारे सोशल मीडिया अकाउंट पे हमने इसकी फोटो लगाई हुई है। What? But you? क्योंकि हम बदनाम इतने हैंडसम और गुड लुकिंग नहीं है ना। What rubbish? तुम इतना गुड लुकिंग हैंडसम हो, कोई बेवकूफ लड़की हो सकती है जो तुम्हारा दोस्त ना बन सके? हम बन गए, हम बन गए। वो तो मैं था, अरे जो दिन रात जो फोन पे चिपका रहता था वो मैं था। दुकान रहे, खा रहे, सीढ़ियां रहे, झाड़ियां रहे, वो मैं था। बैड मैन, आई एम बदनाम योर बेबी। बेबी तेल ला के गरम किया हुआ डंडा। अरे अरे बैल दीजिए। एक मिनट। अरे सीनियर आई है। एक मिनट क्या बवंडर मच रही है? मैडम जी मॉल अफंडर, एक सेकंड क्या चल रहा है? क्यों मार रही है उसको? आदमी ने मुझे धोखा दिया है। और मुझे भी जाने दो। देखिए ऐसा है कि तुम्हारा दर्द तो हम समझ रहे हैं, तुम तो पत्नी हो, धोखा दिया, इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है जिंदगी में। लेकिन तुमने हमको बहुत हैरान किया है ना। मतलब तुमको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया जैसी जो चीज है वो कितनी संवेदनशील है। अगर किसी को तुम अपना बनाते हो, किसी से रिश्ता करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाह रहे हो तो 100 बार परखो उसको। क्योंकि वो जो रिश्ते हैं ना, वहाँ पे जो लोग दिखते हैं वो आधे सच्चे होते हैं आधे झूठे होते हैं। तुम्हें तो ये पता भी नहीं है लूसी कि तुम कितना बड़ा बवंडर से बच गई हो। और सबसे निवेदन करते हैं हम, ये सोशल मीडिया जैसी जो चीज है इससे बचकर रहिए। पहले पहले आदमी को देखे परखे और जितना दूरी बना सकते उतना ही दूरी बना के रहिए। हाय बाय टाटा तक ही ठीक है ये सोशल मीडिया, समझे सबके सब? और वापिस आते हैं हम आप। क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हैं। खुश तो हम हैं पुष्पा जी, पूछे का है? मैडम सर का फोन आया होगा। हमेशा की तरह सही पुष्पा जी, मैडम सर का फोन आया था। बहुत प्रशंसा कर रही थी, कह रही थी कि हमने उनका सर गर्व से ऊंचा कर दिया है, हमने इस थाने का, उस वर्दी का, इस पूरे शहर का नाम ऊंचा कर दिया। और वो बहुत खुश थी और हम सब की बहुत तारीफ कर रही थी। हम सब ने इस बार बहुत अच्छा काम किया, हम 7वें आसमान पे, हम बहुत खुश हैं। आज हम बता नहीं पा रहे कितना खुश हैं। हम देख रहे हैं। अरे हाँ, और एक बात कही थी उन्होंने, कहा था कि हमेशा की तरह पुष्पा जी ने इस बार भी ओवर एक्टिंग कर ही दिया होगा, लेकिन पूरा यकीन है कि तुमने सब संभाल लिया होगा।
हाँ हाँ हमको भी मैसेज आया था। अच्छा? कही है कि अगली बार से अगर चौराहा पे भी ड्यूटी हो तो भी पुष्पा जी को लेकर मत जाना। कहीं कहीं ऐसा कहीं मैसेज किया? नहीं नहीं, ये सब अपने मन की कह रही है ना मैडम सर, ऐसे कह नहीं सकती। वो हमारा अभिनय बहुत पसंद करती है, हमें पसंद करती है। हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं पुष्पा जी। हम भी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.